दोस्तों नमस्कार, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज आप लोगों से शेयर करूँगा मेरा बर्ड सेटअप में कुछ ज़रूरी काम जो मैंने किया है कॉकरेल्स के कॉलोनी में, बजीज के कॉलोनी में, ये सब मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या क्या काम और कैसे करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों में ये ज़रूर शेयर करना और लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का काम। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं कॉकरेल की बॉक्स से। ये देखिए हमारे इधर अभी बरसात का मौसम है तो ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए मैं बॉक्स सुखाने के लिए एक 200 वाट का बल्ब लगा दिया हूँ। एक्चुअली मैंने 3 बॉक्स निकाला था क्लीन करने के लिए और एक रिप्लेस भी कर दिया, अब दूसरे वाला और तीसरा वाला आज मैं करने वाला हूँ। तो इसीलिए ये लाइट जला के मैंने सुखा लिया है। ये सुखा के रखा हुआ था लेकिन ये बरसात के मौसम में थोड़ा सा डैम्प हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये 200 वाट का बल्ब लगाया और लगभग 2 घंटे तक ये जला के रखा बॉक्स के अंदर। तो ये बॉक्स का जो काठ है, जो वुड है, वो भी गर्म हो गया, इसीलिए अब ये मैंने बल्ब बंद कर दिया। अब ये जो स्क्रू थोड़ा सा ढीला हो गया था इसीलिए मैंने ये 2 स्क्रू भी ठीक ठाक से लगा लिया। अब ये पार्ट्स लगाऊंगा ये बर्ड का बैठने के लिए। ये ठीक होने के बाद इसमें मैं जो वुड पार्टिकल्स देता हूँ और थोड़े से पाउडर जो यूज़ करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा बॉक्स तैयार करने के बारे में एक वीडियो भी मेरा चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। अब दोस्तों ये बॉक्स के अंदर मैं ये पाउडर डाल रहा हूँ। मैं 2-3 तरह का पाउडर यूज़ करता हूँ बॉक्स में, नॉटिक्स है, एरन एपी पाउडर है। ये पाउडर मैं बॉक्स में छिड़कने के बाद ही वुड पार्टिकल्स उसमें देता हूँ ताकि इसमें कुछ माइट्स वगैरह और जो छोटे छोटे पतंग होते हैं जो बर्ड्स के लिए हानिकारक हो सकता है वो ना आए बॉक्स में। इसीलिए मैंने ये 2-3 तरह का पाउडर यूज़ करता हूँ। देखिए ये एरन एपी पाउडर है लास्ट वाला। हर ब्रीडिंग बॉक्स में मैं ये पाउडर डाल के ही उसमें देता हूँ वुड पार्टिकल्स। और पहले मैं नीम का पत्ता का जो पाउडर होता है वो देता था लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये 2-3 तरह का पाउडर मैंने देखिए अच्छी तरह से बॉक्स के नीचे डाल दिया है। अब ये वुड पार्टिकल्स मैं डालूँगा बॉक्स के अंदर। ये चिप्सी क्लासिक का जो वुड पार्टिकल्स होता है ये मैं बॉक्स के अंदर अभी डालूँगा। ये मैं थोड़ा ज़्यादा ही देता हूँ बॉक्स में ताकि बर्ड्स को कोई परेशानी ना हो या वो अंडे ख़राब ना हो, इसीलिए ये बॉक्स का जो नीचे का हिस्सा होता है वो मैं वुड पार्टिकल्स डाल के एकदम ठीक ठाक से बिठा देता हूँ और हाथ से थोड़ा सा प्रेशर दे के वो थोड़ा सा बिठा देता हूँ नीचे। उसके बाद मैं ये बॉक्स सेटअप में लगाऊंगा और सेटअप में जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 3 बॉक्स मैंने निकल के रखा है क्लीनिंग के लिए, तो एक मैंने रिप्लेस कर दिया है और इसी तरह से दूसरा वाला बॉक्स प्रिपेयर करके ये दोनों बॉक्स में आज मेरे सेटअप में लगा दूंगा। ये बॉक्स एकदम रेडी हो गया, अब इसे सेटअप में ले के लगाना है और उसके बाद और कुछ भी काम है मैं एक एक करके सभी आप लोगों से अब शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों मैं सेटअप में आ गया हूं और ये देखिए 3 बॉक्स, ये 2 क्लच बच्चे पाने के बाद ये बहुत ज़्यादा डार्टी हो गया था इसीलिए मैंने ये क्लीन करने के लिए इधर रखा है। देखिए दोस्तों ये मैंने पहले रिप्लेस किया था ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, और इधर देखिए 1-2 बॉक्स के मिडिल में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया है, इस जगह में मैं ये बॉक्स को डालने वाला हूँ और उसके बाद जो तीसरा वाला बॉक्स के बाद जो गैप है उसमें दूसरा बॉक्स लगाऊंगा। तो ये देखिए ये बॉक्स मैंने लगा दिया है और एक्चुअली बॉक्स कम होने की वजह से ये जो कॉकरेल्स एक दूसरे से झगड़ते रहते थे वो अब नहीं होगा। अब दोस्तों बर्ड्स को पकड़ने की बारी। देखिए पहली बार मैंने पकड़ लिया, एक्चुअली कुछ बजीज मैं सेल के लिए भेजने वाला हूँ, इसीलिए ये मेरा बजीज का जो कॉलोनी है उसमें से कुछ बर्ड्स मैं अब पकड़ रहा हूँ। एक्चुअली ये बापन पकड़ रहा है,
बापन ये बहुत आसानी से कर लेता है और मुझे करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने उनको ही दिया है ये काम करने के लिए। देखिए ये दूसरा वाला हम लोगों ने कैरी केज में रख दिया। एक्चुअली बजीज का जो कॉलोनी है उसमें जो बच्चा निकलता है, जो मटकी से पहले दिन निकलता है, उसी दिन मैं उन लोगों को एक रेड मार्किंग कर देता हूँ, जो बंगाली में आलता कहते हैं रेड कलर का, तो उसी से हम लोग मार्क कर देते हैं बार्ड्स के माथे में या पूंछ में, और उनके साथ ही रख देते हैं बाकी बार्ड्स के साथ, ताकि वो अच्छी तरह से खा पी कर बड़ा हो सके और अगर ज़रूरत पड़ा तो उसका माँ भी उसे खिला सके कुछ दिन तक। इसीलिए मैं ये बर्ड्स को कलर लगा के कॉलोनी में रख देता हूँ। अब जब सेल करने का बारी आता है तो उनमें से आसानी से मैं उन लोगों को पहचान भी सकता हूँ और पकड़ के भेज देता हूँ सेल के लिए। मेरे पास बर्ड सेल के अभी एक वीडियो मैंने बनाया था और वो अपलोड भी किया था मैंने, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स सेल हो गया है, अभी कुछ 4-5 बर्ड्स अभी मेरे पास है बजीज सेल के लायक, इसीलिए मैं वो भेजने वाला हूँ सेल के लिए, इसीलिए मैंने वो पकड़ लिया है। अब जो बाकी मटकियाँ है उसमें अंडे हैं और तीन बच्चा भी निकला है, कल ही निकला है, तो ये बर्ड्स पकड़ने के बाद मैं वो बच्चों को कलर भी लगाऊंगा। और जो बंगाली फिंचेस का कॉलोनी है उसमें भी 2 बच्चा निकला है, उन लोगों को भी मैं कलर लगाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन पहले बर्ड्स को पकड़ लेते हैं। बर्ड्स पकड़ना कंप्लीट हो गया, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितने कलरफुल और हेल्दी बर्ड्स हैं। ये सारे 5 के 5 ही बहुत हेल्दी है और कलरफुल भी है। ये देखिए दोस्तों, ये 5 बर्ड्स अभी सेल के लिए जाना है, ये लोग नए घर में जाएंगे मेरा घर छोड़ के, और जो बच्चे आज ही निकला है उन लोगों को मैं कलर भी करूँगा, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बजीज और बंगाली फिंचेस का बेबी को अभी कलर करना है। अब दोस्तों बंगाली फिंचेस को हम लोग कलर लगाएंगे। देखिए बापन उसे पकड़ा है, बापन बहुत आसानी से पकड़ लेता है पर्टिकुलरली फिंच को, और ये बंगाली फिंचेस थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पहचानने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए उनका शरीर में जो भी व्हाइट पोर्शन है, पूंछ में थोड़ा सा व्हाइट पोर्शन कभी कभी रहता है, और पेट के नीचे जो फेदर्स है उसमें लाल रंग हम लोग लगा रहे हैं, ताकि वो बड़ा होने पर भी हम लोग उसे आसानी से पहचान सके, नहीं तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये फिंच को कलर लगा दिया और ये केज में छोड़ देंगे। ये इसी तरह दूसरा फिंच को भी कलर करने के बाद अब एक बजीज को पकड़ा है बापन ने, अब ये मैं कलर लगा रहा हूँ। इसके बाद और भी 2 है, वो इनसे छोटा है, उनको भी कलर लगाना है। और एक बच्चे के पैर में वो जो पट्टी वगैरह लगकर ये एक गुठली की तरह हो गया है, तो उसे भी तोड़ना है, वो हम लोग प्लास से तोड़ते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये कलर लगाना हो गया, ये दूसरे को पकड़ ले रहे हैं हम। ये देखिए नेट में थोड़ा सा गैप था, उसमें से निकल के उड़ गया था, अब मैंने पकड़ा है, पापा ने पकड़ा है उसे, अब मैं इसको भी कलर लगाऊंगा। और जो पंछी के पैर में जो गुठली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वो होता क्या है, जब ये डाटी रहता है मटकी में तो अभी थोड़ा थोड़ा करके वो पैर में जम जाता है। देखिए ये बापू ने एक ग्लव्स पहन लिया है, एक्चुअली ये बच्चे तो आसानी से हम लोगों को बाइट नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूसली जब पकड़ के रखते हैं तो वो कभी कभी बाइट करने लगता है, इसीलिए एक ग्लव्स बापू ने पहन लिया है। और देखिए ये प्लास लगा के थोड़ा सा उनमें प्रेशर डाल के वो जो गुठली हुआ है वो थोड़ा सा तोड़ते हैं और उसके बाद वो हाथ से वो निकल देते हैं। ये ठीक टाइम में नहीं निकला तो पंछी को उड़ने में प्रॉब्लम होता है, चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि ये भी आज ही कर डालेंगे। एक्चुअली नेस्ट से निकल के भी किया जा सकता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स था इसीलिए तब ये कर नहीं सके, और देखा कि आज ये नेस्ट से बाहर आ गया है तो आसानी से इनको पकड़ के हम लोग ये क्लीन कर रहे हैं उनके पैर, ताकि वो आसानी से चल फिर सके या उड़ सके। उड़ने में भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है पैर में जब ये सब रहता है, और इसके बाद इनको भी कलर लगा लेंगे। ये देखिए मैंने इनके माथे पे भी
लाल कलर लगा दिया ताकि आसानी से पहचान सके। लेकिन दोस्तों इन सब काम के बीच एक बुरा चीज़ भी एक नज़र आ गया। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं अभी, ये मेरा हेलीकॉप्टर बजीज का पेयर है। ये चार बच्चे हैं आप लोग देख रहे हैं, इनमें से एक एक्सपायर हो गया। अभी अभी नज़र में आया कि ये एक्सपायर हो गया है, तो इसे निकलना है अभी, क्योंकि अगर ये अंदर ही पड़ा रहा तो इन्फेक्शन हो सकता है बाकी को, बाकी जो तीन बच्चे हैं उनको, इसीलिए इसे अभी निकलना पड़ेगा। ये देखिए, ये दाएं तरफ देखिए, ये पड़ा हुआ है, ये एक्सपायर हो गया। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि हेलीकॉप्टर बजीज का जो ब्रीडिंग हो रहा है, ये जो पेयर आप देख रहे हैं ये लगातार ब्रीडिंग करता रहता है और एक भी बच्चा आज तक एक्सपायर नहीं हुआ। चार पांच क्लच मिल गया, फिर ये चार बच्चे भी नहीं थे उन क्लच में, लेकिन इस बार चार बच्चा था तो एक एक्सपायर भी हो गया। तो ये मटकी अभी निकालना है। ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फीमेल मटकी के अंदर बैठा हुआ है, ये केज के नज़दीक जाने से ये अंदर घुस जाता है और किसी भी तरह वो निकलता नहीं है। देखिए, मैंने मटकी ऊपर से नीचे लाया, अब ये जो बॉडी पड़ा हुआ है उसे भी मैं निकलूँगा, लेकिन ये फीमेल नहीं निकलेगा मटकी से। ये देखिए, मैंने चम्मच लगा के ये बॉडी बाहर निकाल दिया। अब इसे साइड में रख के अब मटकी लगाना है वापस उसी जगह में। देखिए दोस्तों, फीमेल एक बार भी बाहर झांक के भी नहीं देखा, और बाहर आना तो दूर की बात है। एक्चुअली ये बच्चे के बारे में बहुत ही पॉजिटिव है, जब भी हम लोग नज़दीक जाते हैं तो ये एकदम सीधा जाके मटकी में घुस जाता है और बच्चों के साथ ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। वो डेड बॉडी तो मैंने निकाल दिया, अभी ऐसा किया जा सकता है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और ये बाकी जो तीन बच्चे हैं वो आसानी से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये फीमेल कैसे बैठा हुआ है और बच्चों के साथ, और देखिए तीन बच्चे हैं। जो पहला वाला बच्चा है उसके पंख के नीचे एक छोटा सा बच्चा है, और जो गुजर गया वो भी छोटा ही था, इसीलिए शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया। ये देखिए, ये एकदम छोटा है, और जो डेड हो गया, एक्सपायर हो गया, वो उससे भी छोटा था। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों लाइक और कमेंट के द्वारा प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे रहिए दोस्तों, अपने वर्ड्स को भी अच्छे रखिए। नमस्कार।